आगे आपके सामने ये बेहतरीन जर्नलिज्म रखने लगा हूं। मैं जब मेरी सीनियर मैनेजमेंट के साथ बात होती थी जियो टीवी की हमारी हुकूमत के दौरान, तो मुझे एक बात कहते थे, मुझे आज भी याद है, उसके गवाह हैं इरशाद भट्टी, उसके गवाह हैं, और मुझे कहते थे कि हम पाकिस्तान का बेहतरीन मीडिया है, हम कभी जाती स्कैंडल नहीं करते, हम खबरें करते हैं, हम कभी भी लोगों की, औरतों की, बेडरूम की इज्जतें नहीं उछालते। ये मुझे उनके मालकान, ये मुझे उनकी सीनियर मैनेजमेंट कहती थी माफ कीजिएगा, और इसके गवाह मैंने दोबारा कहा, इरशाद भट्टी इसके गवाह मौजूद है, उनकी मौजूदगी में कहा था, जियो टीवी पिछले 3-4 महीने से क्या कर रहा है और उससे पहले भी क्या करता रहा है वो आपके सामने है। एक ही काम है, लोगों की, औरतों की इज्जतें उछालना। यार कुछ ख्याल करो, कुछ ख्याल करो, अपने अबाओ अजदाद की इज्जत का कुछ ख्याल करो। आपके पास यही साफत रह गई है कि आपने लोगों के घर की, आपके पास और कुछ नहीं है। कितना कुछ है यार, कितना कुछ है सियासत में बात करने का। ये इनका अखबार है जी, ये मेन पेज है इस अखबार की, 2 नंबरी चेक करें। ये मरियम बीबी की जलसी है लाहौर के अंदर, जो सबने देखा उसमें कितनी पब्लिक थी, कॉर्नर मीटिंग थी, जो नून ने उसे खुद कॉर्नर मीटिंग कहा था। ये उसकी तस्वीर लगाई हुई है, इस्लामाबाद का एडिशन है ये, मैं लाहौर का एडिशन नहीं कह रहा, ये इस्लामाबाद का एडिशन है। और कल यहां पर तारीख का सबसे बड़ा जलसा हुआ है, तारीख का सबसे बड़ा जलसा, वो कहीं मौजूद नहीं है फ्रंट पेज के ऊपर उसकी तस्वीर। जब इस तरह की 2 नंबर सहाफत होगी, जब ये जर्नलिज्म होगा, आप कोई पोर्नोग्राफी की वेबसाइट खोल लें, आप कोई इस तरह की येलो जर्नलिज्म करना शुरू करें, बल्कि आप ऐसा करें, मेरा मशवरा यह है, लोगों की नंगी वीडियोस अपने चैनल पे चलाया करें, अब आपका धंधा और काम वो रह गया है, वो करें ताकि आपको थोड़ा सुकून आए।